भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात। सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। नवगछिया में चर्चित हत्याकांडों के मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर। छोटे सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी मानकेश्वर एवं सोनू राय हत्याकांड के शूटर छोटुआ अभी भी फरार। दरोगा आशीष हत्याकांड के मुख्य आरोपी दिनेश मुनि अभी चल रहा फरार। नवगछिया पुलिस जिले में हाल के दिनों में हुए चर्चित हत्याकांडों के मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। हत्याकांड के बाद पुलिस की कार्रवाई में देरी होने से अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि इन दिनों एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है। पिछले 6 फरवरी को हुए पकड़ा में देव पूजन सिंह उर्फ छोटे सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व प्रमुख मनकेश्वर सिंह उर्फ मंटू को घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस हत्याकांड में बाल किशोर सिंह, ब्रज किशोर सिंह एवं तीरो सिंह भी फरार चल रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई है। वहीं सिंधिया मकनपुर के किसान मंटू चौधरी के अपहरण के बाद हत्या के मामले में अपहरण के मुख्य सूत्रधार मनीष सिंह को गिरफ्तार करने में पुलिस सफल नहीं हो पाई है। इसके अलावा बीते वर्ष 17 अक्टूबर को ही जिला परिषद गौरव राय के भाई ऋतु ध्वज उर्फ सोनू राय हत्याकांड के मुख्य शूटर कुख्यात अपराधी पुरुषोत्तम यादव उर्फ छोटुआ की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा बीरपुर थाना क्षेत्र के दुधेला दियारा में अपराधियों के मुठभेड़ में शहीद हुए दरोगा आशीष हत्याकांड के मुख्य आरोपी दिनेश मुनि को पुलिस गिरफ्तार करने में अब तक असफल रही है। वहीं बीते वर्ष दिसंबर माह में नौगछिया नया टोला में एसपी कोठी से महज 200 मीटर दूर पर युवक मिथुन कुमार के शव की बरामदगी हुई थी। पुलिस ने शव का शिनाख्त 8 दिसंबर को कर लिया था, लेकिन इस मामले में पुलिस हत्याकांड की प्राथमिकी दर्ज इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस मामले में अब तक पुलिस के समक्ष ना तो पूरी कहानी आई, ना ही इस मामले में कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच किया जा रहा है। दूसरी तरफ नौगछिया में एक बार फिर से चोरी की घटनाएं शुरू हो गई है। वार्ड 12 में 19 जनवरी को सवेद आलम के घर लाखों के जेवरात, नगदी की चोरी हुई थी, लेकिन घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। दूसरी तरफ तितरी विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ के पास गंभीर स्थिति में बरामद हुई महिला की मौत पर रहस्य बरकरार है। नौगछिया के बाबा विशु राउत सेतु पथ के नीचे एक मधेपुरा के युवक नीतीश कुमार का शव बरामद किया गया था। इस मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। रंगरा ओपी क्षेत्र में इन दिनों हत्या की घटनाओं में इजाफा हुआ है। 18 जनवरी को रंगरा के बनिया गांव में विवाहिता की हत्या कर शव को कई टुकड़े में काटकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया था। मामले में पुलिस अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं 20 जनवरी को रंगरा के साधोपुर गांव में कोसी दियारा में किसान की हत्या अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी। मामले में सभी 7 आरोपी फरार चल रहे हैं। वहीं पूछे जाने पर नौगछिया एसपी निधि रानी ने कहा कि हत्याकांड में फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हत्याकांड में जो भी अपराधी फरार चल रहा है उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंटू चौधरी हत्याकांड में फरार मनीष सिंह एवं छोटे सिंह हत्याकांड में फरार मनकेश्वर सिंह सहित अन्य अपराधियों का वारंट विगत दिन निर्गत हो गया है। 1 सप्ताह तक इन अपराधियों के घर की कुर्की का वारंट निर्गत कर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। लड़की के शव बरामद के मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है। इस मामले में जल्द ही पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। नवगछिया सड़क दुर्घटना में वृद्ध गंभीर रूप से घायल, रेफर। नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी निवासी ब्रह्मदेव दास सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार वृद्ध को 0 माइल के पास एक अनियंत्रित वाहन ने धक्का मार दिया था। दुर्घटना में उनका दोनों पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। बिहार बॉल बैडमिंटन टीम का प्रशिक्षण शुरू। चेन्नई तमिलनाडु में 17 से 21 फरवरी तक आयोजित होने वाली 65वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष व महिला में भाग लेने वाली बिहार टीम के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर नेहाल नाथ मंदिर जहांगीरपुर सोरनपुर सारण में शुरू हो गया। 4 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर का विधिवत उद्घाटन पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सोनपुर विनोद सिंह सम्राट, जहांगीरपुर पंचायत के मुखिया राजेश चौरसिया व बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के सचिव गौरी शंकर ने दीप प्रज्वलित कर एवं नारियल फोड़कर किया। वहीं मौके पर अतिथि का स्वागत वैशाली जिला बॉल बैडमिंटन संघ के सचिव रवि कुमार रंजन ने किया। इस अवसर पर बिहार बॉल बैडमिंटन टीम के मुख्य चयनकर्ता रंजन कुमार गुप्ता, सरपंच रणवीर कुमार सिंह, इंटक बिहार प्रदेश के पूर्व सचिव चितरंजन सिंह, समाजसेवी ब्रजकिशोर सिंह सहित कई खेल प्रेमी उपस्थित थे। उक्त जानकारी राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के प्रवक्ता ज्ञानदेव कुमार ने दी। की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, ऐसा विद्यालय जहां शुरुआत से ही होती है आईएएस आईपीएस की तैयारी। नवगछिया का सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था के साथ स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ कक्षा नर्सरी से 10वीं तक प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-0437-33। सर्वोत्तम शिक्षा ही है हमारी पहचान। आइए नवगछिया पकड़ा मोड़ के पास है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल का। भागलपुर की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में आज भी सर्वोत्तम स्थान पर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, CBSE एफिलेटेड सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल। नामांकन प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 9वीं तक। हमारा पता है दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, दीक्षा नगर, इब्राहिमपुर रोड, सबौर, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9934855177-9934-85-5177। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्र छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। नवगछिया अनुमंडल एवं भागलपुर के सभी क्षेत्र के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। आवासीय आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया, कक्षा नर्सरी से अष्टम तक की पढ़ाई CBSE पैटर्न, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी सुयोग्य शिक्षकों द्वारा, छात्रावास में छात्र छात्राओं को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था, कंप्यूटर शिक्षा की अलग से व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ है। लगातार स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर अनुमंडल में भव्य झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित। संपर्क सूत्र 9934-26-14-37। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। नवगछिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपाइयों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। नवगछिया नगर के सती बिहुला शक्ति केंद्र पर सोमवार को भाजपाइयों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष कौशल जायसवाल की अध्यक्षता में भाजपाइयों ने उनके पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया। मौके पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में लोगों को जागरूक किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून नागरिकता देने की है, इस कानून में किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, पूर्व सांसद अनिल कुमार यादव, भाजपा नेता आलोक सिंह, नरेश प्रसाद साह, प्रवेश कुमार यादव, अभिनंदन यादव, सूरज कुमार, अशोक सिंह, मुकेश मंडल, पप्पू जायसवाल सहित सभी भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। ढोलबच्चा अस्पताल की व्यवस्था दयनीय है। जांच कराने आई गर्भवती महिलाएं दिन भर डॉक्टर का करती रही इंतजार, बिना सूचना के स्वास्थ्य कर्मी फरार। नवगछिया प्रखंड के कोसी पार अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र सह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ढोलबज्जा की स्थिति इन दिनों दयनीय होती जा रही है। वहां ना तो चिकित्सक समय पर रहते हैं, ना ही रोगी देखने का समुचित व्यवस्था उपलब्ध रहता है। ज्ञात हो कि ढोलबज्जा अस्पताल में हर महीने 9 एवं 21 तारीख को गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जाँच की जाती है। इस बार 9 फरवरी को रविवार होने के कारण यह जाँच 10 फरवरी को होनी थी, जहाँ सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आशा कार्यकर्ताओं ने इलाके के करीब
25 गर्भवती महिलाओं को लेकर जांच कराने अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल में पदस्थापित 6 स्वास्थ्य कर्मियों में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, लैब टेक्नीशियन सर्वर जामा व ANM जॉर्जिना मिंज बिना किसी सूचना के अस्पताल से अनुपस्थित थी। ANM सोल्टी जायसवाल व खैरपुर कदवा की प्रियंका कुमारी से सभी रोगियों अपना रजिस्ट्रेशन करा डॉक्टर आने के इंतजार में बैठी थी। खैरपुर से पहुंचे एक महिला की प्रसव तो हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर के अभाव में उसके शरीर में किस चीज की कमी है या उनके जरूरत के टीके सिर्फ ANM के भरोसे ही हो रही थी। वहीं इस तरह की बीमारी जांच के लिए लगाए गए CBC मशीन भी 4 दिन का सदर अस्पताल भागलपुर ले गया है, जो बीते शनिवार को ही लाया जाना था, वह अब तक वापस नहीं लाए गए हैं। 109 प्रकार के दवाइयों में करीब 20 तरह के ही दवाइयां उपलब्ध थी। डोलवजा में हर सप्ताह बुधवार व शुक्रवार 2 दिन MBBS डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें डेंटल चिकित्सक भी हैं, वह भी नहीं आ रहे हैं, जिससे रोगियों को काफी परेशानी हो रही है। उपस्थित आशा चांदनी देवी, रेणु देवी, रेखा देवी, मनोरमा देवी व विशेखा देवी ने बताया कि यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की घोर कमी है। साथ ही सभी ने वरीय पदाधिकारियों से एक एम्बुलेंस देने की मांग की है, ताकि प्रसव पीड़ा में महिलाओं को बाहर भी ले जाना पड़े तो समय पर बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके। उक्त बातों को लेकर भागलपुर CS विजय कुमार सिंह ने बताया कि बिना सूचना के अनुपस्थित अस्पताल कर्मियों की जांच कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं रोगियों को हो रही परेशानियों को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। नारायणपुर के कुशहा में आग लगने से फूस का घर जलकर राख। नारायणपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत के कुशहा गांव में सोमवार को दोपहर बाद आग लगने से फूस का घर जलकर राख हो गया। पंचायत समिति प्रतिनिधि कृष्णदेव शर्मा व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पंकज यादव ने बताया कि सतन शाह एवं कनिक शाह के बासा पर फूस से बने भूस्खार में आग लगने से उसमें रखे सारा भूसा जल गया, जिससे घंटों मशक्कत के बाद ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। घटना को लेकर मुखिया उमाकांत शर्मा ने आपदा पदाधिकारी CEO रामजपी पासवान को दूरभाष से जानकारी दी है। PSC नारायणपुर में पासमा के तहत 97 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जांच। PSC नारायणपुर में सोमवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 97 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जांच PSC प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी के नेतृत्व में किया गया। जांच के दौरान डॉक्टर विनोद कुमार, लैब टेक्नीशियन सौरभ कुमार सहित PSC की कर्मी व ANM मौजूद थी। वहीं PSC प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी ने बताया कि जांच में पाया गया कि 3 गर्भवती महिला हेपेटाइटिस बी तथा 2 महिला में हीमोग्लोबिन की कमी है, जिसे डॉक्टर के निर्देशन में आवश्यक दवाई देकर सेवन करने की विधि बताया गया है।